हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज के चैनल में, आज की वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एटम कॉस्मोस के बारे में। कॉस्मोस एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बताता आया हूँ। मैंने उस समय भी बताया था, अभी भी बताया था। चलिए इस बकवास को बंद करते हैं, डायरेक्ट हम चार्ट पे चलते हैं। फिलहाल आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज वी ट्राई टू प्रोवाइड यू विद वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड रिसर्च। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कॉस्मोस को लेकर। तो कॉस्मोस की मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, ट्रेंड लाइंस, एंड दीज आर नॉट ट्रेंड लाइंस, दीज आर बेसिकली यहाँ पर लेवल्स हैं। दो लेवल्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे नोट करके ड्रॉ किए हैं। इफ़ यू क्लोजली सी, लाइक 17 मार्च के आसपास वी वर अराउंड $24.4 के आसपास, और यहाँ पर हम 16 फेब के आसपास भी इसी जगह पे आए थे, 16 फेब, और ये हमारा 21 अगस्त के आसपास है, ठीक। और इस समय हम लोग जो 29 दिसंबर और 17 नवंबर, इस समय भी हम लोग जब नीचे आए थे तो थोड़ा बहुत हम लोग 25 के आसपास आए थे। तो मेन ये लेवल कौन सा है, 24 से 25 के आसपास आप मान लो। ये पतली सी एक लाइन बनेगी, बहुत ही पतली सी, आपको बताता हूँ। ये जो पतली सी लाइन बनी है, अभी मैंने ड्रॉ क्यों कर दिया, गलती कर दी, मुझे बनाना है यहाँ पर एक जोन। और ये पतली सी लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली जो हमारी है, ये वाली पतली सी लाइन है। और ये लाइन क्या कहती है, ये कहती है बेसिकली कि आप एटम को अगर एक्युमुलेट करना चाहते हो तो आप 26 से 24 के बीच में कर सकते हो। एक अच्छा जोन है कॉन्फ्लुएंस का। अगर आप देखो, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो कॉन्फ्लुएंस का जो जोन है हमारा, वो यहाँ पर आप देखो, बेसिकली ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक तो ये देखो आप, ये एक एरिया है, एक ये, ठीक। यहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ था, अगर शॉर्ट टर्म में देखें, डेली में हुआ था प्राइस एक्शन। और ये सब चीज़ें हमें बताती हैं। और अभी भी हम करेंटली इसी जगह पे बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कॉस्मोस यहाँ पर सिर एक अच्छा मूव ऊपर की ओर लेगा? मे भी ले भी सकता है, क्योंकि जब पूरी मार्केट डम थी तब कॉस्मोस ऊपर उठा हुआ था। एंड कॉस्मोस कहाँ तक गया था आप लोग को पता होगा, कि $44 तक गया था बीच में। और अभी जब मार्केट डम्प हुई तब भी ये 35-36 तक बना हुआ था। पावर इसमें काफ़ी है, एंड जो लोग हैं वो समझते हैं कि कॉस्मोस एक अच्छा फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मेन जो इसके डम्प के क्रैशेज है, जो मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि बिटकॉइन के चांसेस हैं कि वो 32K या फिर 30K को टच कर जाए, तो अगर वो रिविजिट करता है तो आप अपने बाइंग ऑर्डर कहाँ पर लगा सकते हो उसका आइडिया देता हूँ। 26 से 24 एक अच्छी एरिया है, वरना आप यहाँ पर ले सकते हो, ये एक एरिया है जो कि है 21 के आसपास, ठीक। 26-24 या फिर 21, ठीक। और उससे नीचे अगर लेना है तो 17-18, जो कि मुझे फिलहाल नहीं लगता कि उतना नीचे गिरेंगे हम लोग, बट ये एक रेयर केस सिनेरियो होगा जिसमें आप यहाँ पर ले सकते हो एटम को, अगर यहाँ पे आता है। कौन सा एरिया है ये, 17-18 के आसपास। तो तीन लेवल्स मैं आपको बता के जाता हूँ, पहला ये, ठीक, जो कि है आपका 24 से 26 के बीच, दूसरा $21 का है, तीसरा $18 के आसपास का है। तो ये ले लीजिएगा अगर आपको बाइंग ऑर्डर्स ढूंढने हैं। अब मैं आपको टारगेट बताता हूँ एटम का। एटम को अगर आप टारगेट लोगे तो हम फिबोनाची अगर यूज़ कर लेते हैं तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि क्या 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 हमको देखने को मिल रहा है। तो फिबोनाची को अगर हम यूज़ करें तो रख लेते हैं एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर, हाँ। तो बेसिकली मेरे ख्याल से अराउंड $75 का टारगेट मैंने आपको एटम में दिया था टाइम रहते उस समय, और फिलहाल हम लोग 44-45 तक गए हैं। पर मेरा जो टारगेट है वो यही वाला था, 80-74 के आसपास, बीच में यहाँ पर कहीं पर है वो मेरा टारगेट, यहाँ कहीं पर है $74 के आसपास, $75 के आसपास, जो कि एटम का शॉर्ट टर्म कह सकते हो या फिर नेक्स्ट बुल मार्केट अपडेट है जो कि हमारा है, बुल मार्केट आती है तो हम इसमें यहाँ पर जा सकते हैं। तो आपको टारगेट बहुत अच्छा मिला है, आपको प्राइस पोटेंशियल बहुत अच्छा मिला है, ठीक। और एक क्रैश आता है तो और अच्छी बात है, आप इसको और नीचे बाय कर सकते हो एटम को। और दो बार यहाँ पर इसने जो है रिजेक्ट किया है प्राइस, किस जगह पर किया है, यहाँ पर 44 के आसपास का। तो यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, आराम से देखने को मिल सकता है जब इसको ये तीसरी बार में ब्रेक करेगा। अब ये तीसरी बार हमें कब देखने को मिलेगा, अप्रैल में या मार्च में, जब भी हमारी ऑल्टकॉइन रैली आती है तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। और इसको जब ये सपोर्ट कन्फर्म कर देगा देन वी कैन सी अराउंड 54, एंड उसके अराउंड हम देख सकते हैं धीरे धीरे 75-80 के आसपास एटम को अपने, ठीक। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट वाइज डेवलपमेंट की,
तो ग्रेविटी ब्रिज जो है डिसेंट्रलाइज्ड कॉस्मोस ब्लॉकचेन हुज प्राइमरी पर्पस इज टू सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ ब्रिजेस बिटवीन ब्लॉकचेन, मतलब जो ब्लॉकचेन्स के बीच में ऑपरेशन होता है सेंडिंग और जो ट्रांसफर का, उसको और इजी करता है। और ये लाइव कर दिया इसने यहाँ पर, आप देखोगे कि एक न्यूज़ आई थी यहाँ पर कॉस्मोस ने शेयर किया था, द फ्रंट एंड फॉर ग्रेविटी ब्रिज इज लाइव, द फर्स्ट इटरेशन सेंड्स डाई इथेरियम और USDC को आप कॉस्मोस पे सेंड कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट अपडेट आई है। अगर मैं कॉस्मोस को आपको फंडामेंटल्स बताऊं तो कॉस्मोस का सिंपल भाषा में या 3 पॉइंट मुझे आपको समझाने के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट्स मिले। कॉस्मोस मेक्स ब्लॉकचेन पावरफुल एंड इजी टू डेवलप विद टेटरमेंट BFT एंड द BFT। आप अगर बायजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल बताता हूँ कि जब इथेरियम बना तो इथेरियम के बाद ऊपर डी एप्स बनती हैं, लेकिन जो कॉस्मोस है उसके ऊपर आप ब्लॉकचेन्स बना सकते हो, अपनी खुद की डिज़ाइन कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, वो सब चीज़ें होती हैं। तो तभी कॉस्मोस को हम कहते हैं द इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स। और आप इनकी वेबसाइट देखोगे कितनी प्रोफेशनल है, कितना ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। आपको मालूम होगा कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, SCRT सीक्रेट टोकन जिसके बारे में बताता रहा हूं, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप टेरा देखोगे, थॉर चेन, ये ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब इनके साथ जुड़े ही हुए हैं। आप देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक। तो कॉस्मोस से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जुड़े हैं, छोटे मोटे नहीं। थॉर चेन का भी चल रहा है, यहाँ पर आप टेरा को देखोगे, सीक्रेट का भी काम इसी पर चल रहा है, और कावा हो गया, आकाश हो गया, ये सब प्रोजेक्ट इसी पे हैं। कॉस्मोस एनेबल करता है कि ब्लॉकचेन से ब्लॉकचेन, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन पे उसके टोकन या कॉइन आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ थी। कॉस्मोस एक ही वो ऐसी ब्लॉकचेन है जो अलाउ कर रहा है ट्रूली मैनर में स्केलेबिलिटी के इश्यूज़, मतलब उसको और हमें बढ़ा सकते हैं अपने स्केलेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं किसी भी ब्लॉकचेन को स्केलेबल करने के लिए। पहली ट्रांजैक्शन आती है, दूसरी उसकी अडॉप्शन होती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉस्मोस में परफेक्ट हैं। और कॉस्मोस एटलीस्ट पोलकाडॉट का मार्केट कैप डिजर्व करता है, जिसके अराउंड कॉस्मोस यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको दे सकता है रिटर्न लाकर, अगर आप देखो तो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको कॉस्मोस की वीडियो अच्छी लगी एंड कॉस्मोस होल्ड करके रखोगे। अगर आपको डिप में भी बाय करना है तो आप बाय करना, आराम से बाय करना। आपको रेंजेस बताए मैंने, कोई भी घबराने की बात नहीं है। और जो कॉइन्स आप होल्ड करो उन्हें करो। जब आप आए थे मार्केट में यही सोच के आए थे कि आप 6 महीना 3 महीने रोके रहोगे पैसे, तो अभी आपको क्यों देखना है प्राइस बार बार, अभी क्यों चेक करो? आप 6 महीने बाद आना, गारंटी मैं देता हूँ कि आपका प्रॉफिट ही हो रहा होगा, एटलीस्ट प्रॉफिट ज़रूर होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं शेयर करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।